कोरोना युद्ध में देशहित से आखिर कौन कर रहा है दुश्मनी? पोस्टर बॉय, महामारी के पोस्टर बॉय से आपको मिलवाएंगे। कोरोना युद्ध में देश हित से दुश्मनी क्यों? महामारी काल में पब्लिक की पिकनिक क्यों? यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही जी, इतनी भीड़ होती है कि दुनिया भर का हाल है। तापमान जितना गिरेगा कोरोना उतना बढ़ेगा। सर्दियों का मौसम भी है, ठंड के कारण जो कोविड कोरोना वायरस है ये ज्यादा देर हवा में रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने में वायरस को थोड़ा आसानी रखती है। कोरोना युद्ध पर पब्लिक गैर जिम्मेदार क्यों? ये लगा रखा मैडम, ये तो नीचे है, नाक के नीचे। मैडम मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो उससे मास्क लगाने में दिक्कत होती है। देश हित पर भारी जानलेवा लापरवाही। एक नवंबर से यहाँ पर 18 से 20 और 4-5 दिन से तो 20 से 25 रोजाना कोरोना की। महामारी के खिलाफ जनता कर्फ्यू कब? और आपको बता दें कोरोना से लड़ाई में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कल सुबह 10:30 बजे 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए 10:30 बजे 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा सुबह 10:30 बजे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक में बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली गुजरात में बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और 4 राज्यों से महाराष्ट्र आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी, यानी कि अब महाराष्ट्र में नो एंट्री अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है और आपके हाथ में आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए, तो या आप एयर ट्रेवल या रेलवे से आप यात्रा कर सकते हैं, चाहे रेल यात्रा चाहे हवाई यात्रा। महाराष्ट्र में नो एंट्री, अगर आप दिल्ली गोवा गुजरात और राजस्थान से महाराष्ट्र जाना चाह रहे हैं, मुंबई जाना चाह रहे हैं, तो फिर हवाई यात्रा या रेल यात्रा नई गाइडलाइंस आ गई हैं। हवाई यातायात अगर कर रहे हैं हवाई यात्रा, तो 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपके हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कोरोना की। अगर रेल यात्रा कर रहे हैं तो फिर 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। रेल यात्रा कर रहे हैं तो 96 घंटे से पुरानी रिपोर्ट आपकी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, वरना हिमाचल में नो एंट्री। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में कल से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया और दिल्ली में मोबाइल ऐप में 499 रुपए में अब कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट। देश में कोरोना के कुल मामले 91,39,000। ये देशित कोरोना इंफॉर्मेशन सेंटर। देश के कई राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला पलटा पुणे को छोड़कर, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिन राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला किया था उसको अब पलट दिया। कोरोना की सर्दिकल स्ट्राइक है। जी हां, टेम्परेचर गिरेगा कोरोना बढ़ेगा। सर्दी आने से पहले जो बात कही जा रही थी कि ठंड आने और तापमान गिरने पर, वो बात अब लगभग सही साबित होती नजर आ रही है। देश में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है कोरोना भी बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली के आंकड़े तो इस थ्योरी की लगातार पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं। आपको कुछ ऐसे ही महामारी के पोस्टर बॉय से आज मिलवाने का वक्त है जिन्होंने महामारी का मजाक बनाकर रख दिया है, जो ना सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए वो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ साथ देश के संकल्प को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है थोड़ी, सांस में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हटा देता हूँ थोड़ा। भाई हम दोनों, हम घर से मैम पूरा सैनिटाइजर वगैरह पूरा अपना पूरा करके आए थे मैम घर से। अरे लगाए थे वो हो गया, आज हो गया मैं।
दिल्ली के ऐसे लोग कोरोना से लड़ाई में लापरवाही के पोस्टर बॉय हैं। बाजार इनके लिए पिकनिक स्पॉट है और कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस इनके लिए एक मजाक। ये तस्वीरें दिल्ली के नांगलोई के एक बाजार की है, लेकिन तस्वीर पूरी दिल्ली की है। जब दिल्ली में 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जब दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,746 नए केस आए हैं, जब दिल्ली में बढ़ती सर्दी के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में महामारी के भयानक होते हालात में भी लापरवाही के ऐसे पोस्टर बॉय के बहाने सुनिए। तो मैं तो अपने घर के आगे खड़ा हूँ, मेरा ये घर रहेगा, मैं कहाँ जाऊँ? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहा? खड़ तो रहे मैम, इतनी दूर तो खड़े हैं, देखिए ना पास पास तो काफी दूर तो है। अभी देखकर कैमरा के सामने दूर? नहीं नहीं, कैमरे के सामने नहीं, पहले से दूर दूर खड़े थे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डरा रही है, लेकिन जिस तरह दिल्ली के बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कोरोना संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना से चल रही जंग में अपना सबसे बुरा दौर देख रही है। राजधानी दिल्ली में जो मौत का आंकड़ा है कोरोना से, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। मृत शरीर आ रहे हैं, एम्बुलेंस लगातार तेजी से यहाँ पर पहुंच रही है और जो आंकड़ा है वो एक बार फिर डरा रहा है। और एक प्रेशर जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जो स्लॉट की एक बुकिंग चल शुरू हो चुकी है, वो साफ तौर पे बता रही है कि किस तरह से कोरोना अब जो दिल्ली में है उफान पर है, एक बम फट चुका है। उन त्योहारों के बाद लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसके कारण इस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। ये लापरवाही ऐसे वक्त में है जब दिल्ली में हालात बेहद भयानक है। अस्पताल में बेड नहीं है, आईसीयू के बेड्स पर भी जगह नहीं है। जी न्यूज ने दिल्ली के अस्पतालों में खाली आईसीयू बेडों के बारे में बताने वाली www.delhifightscorona.in वेबसाइट और कोरोना बेड का स्टेटस जताने वाली ऐप का रियलिटी चेक किया तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। वेबसाइट पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 5 वेंटिलेटर बेड खाली दिखाए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर भी 2 आईसीयू बेड खाली हैं, लेकिन जब हमने आरएमएल की हेल्पलाइन पर फोन किया तो बताया गया कि एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। मैम आपके वहाँ आईसीयू बेड अवेलेबल होगा अभी? आईसीयू के सारे बेड फुल हैं हमारे। लेकिन मैम वेबसाइट पे तो 5 बेड दिखा रहा है अवेलेबल। अब वो 5 कैसे दिखा रहा है मुझे नहीं पता, जब एक्सपायरी होते ना पैसे तो दिखा देता होगा, लेकिन उसकी जगह ट्रांसफर ही ना आ गई थी। वेबसाइट में दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर बेड खाली मिले, लेकिन अस्पताल की हेल्पलाइन पर फोन करने से पता चला कि वहां एक भी बेड खाली नहीं है। हेलो, हाँ सर, आपके पास हॉस्पिटल में भी बेड अभी सर अवेलेबल होगा आपके वहाँ? नहीं है सर, बेड नहीं है। देखिए सर, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर तो दिखा रहा है अभी कि सर 4 बेड है। अच्छा सर, अपडेट होने में कितना क्या टाइम लगता है उसमें वेबसाइट से? दिन में 2 बार ही होता है सर, एक बार सुबह 7 बजे होता है, दोपहर में होता है, मतलब 12 घंटे में एक बार। यही हालात दिल्ली के सभी अस्पतालों के हैं, आईसीयू बेड नहीं है और इसी वजह से दिल्ली में रोजाना 100 से ज्यादा मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं। ये आशंका पहले ही जता दी गई थी कि तापमान जैसे जैसे गिरेगा, सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी, कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। सर्दियों का मौसम भी है, ठंड के कारण जो कोविड कोरोना वायरस है ये ज्यादा देर हवा में रहता है और ठंड के कारण हम घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वेंटिलेशन हमारी बंद हो जाती है क्योंकि हम अंदर गर्मी चाहते हैं, तो उस माहौल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने में वायरस को थोड़ा आसानी लगती है और एकदम इन्फेक्शन घर के अंदर फैल जाता है। फिर भी कोरोना के खतरे से खेलने वाले लोगों की वजह से बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और लापरवाही भी बढ़ रही है। मास्क ना होने पर जुर्माना बढ़ने से लोग अब मास्क पहनकर तो निकल रहे हैं, लेकिन डर की बजाय जागरूकता से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही कोरोना पर काबू पाने का कारगर हथियार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन तापमान नीचे, कोरोना ऊपर, आंकड़े कैसे बता रहे हैं एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए 18 अक्टूबर जो टेम्परेचर था, इसको कंपेयर करिएगा 18 अक्टूबर के आसपास जो टेम्परेचर तकरीबन 17 डिग्री था और 1,00,000 केसेस थे उस वक्त। अब एक महीने बाद 18 नवंबर 5,00,000 केस हो गए और टेम्परेचर 60 डिग्री। ये न्यूनतम तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 17 डिग्री था 18 अक्टूबर, अब एक महीने बाद तब 1,00,000 थे, अब 5,00,000 हो गए। अब ये नंबर्स भी आप देख रही है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। देखिए 16, 17,
फिर 18 नवंबर को 131 सबसे ज्यादा केसेस, ठंड बढ़ी, फिर 20 118, 22 नवंबर 121, मतलब ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में सर्दी बढ़ी, मौतें बढ़ी, कोरोना बढ़ा, तापमान घटा, तापमान नीचे जाएगा, कोरोना का ग्राफ ऊपर जाएगा। ये स्टडी थी और ये अब लगभग जो है सही साबित हो रही है। लेकिन क्या इस कोरोना की सर्जिकल स्ट्राइक में स्कूल खुलने चाहिए? क्या आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्या? स्कूल खुलने चाहिए क्या ऐसे वक्त में जब सरकारें कर्फ्यू लगा रही हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं कई राज्यों में, जहां प्रदूषण और ठंड दोनों ने मिलाकर कोरोना की मार को दोगुना कर दिया? क्या स्कूल खोलना चाहिए क्या? जाहिर आपका जवाब होगा नहीं। शायद यही वजह कि ज्यादातर राज्यों ने स्कूल कॉलेज खोलने के अपने फैसले को वापस ले लिया। पहले कहा खोलेंगे लेकिन अब वापस ले लिया। लेकिन वो महाराष्ट्र जहां उद्धव सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के संकेत दे रही है, लेकिन पुणे में स्कूल खोले जा रहे हैं, क्यों? देश में कोरोना संक्रमण की सुनामी की ओर बढ़ते ये लापरवाही के कदम हैं। जहां महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जहां उद्धव सरकार महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन के संकेत दे रही है, वहां ऐसी क्या मजबूरी थी कि महाराष्ट्र के पुणे में कुछ जगहों पर स्कूल खोल दिए गए? इस वक्त बच्चियों की स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा क्या संक्रमण से लड़ाई जरूरी नहीं है? हालांकि स्कूल कहता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव की सारी गाइडलाइंस का पालन किया गया है। यस, बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि हम लगभग चार महीने बाद मिल रहे हैं, बहुत मिस कर रहे थे। डर तो लग रहा था पर अभी कुछ नहीं, अभी सब है हो रहे तो सब ओपन हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा डर नहीं लग रहा। स्कूल में आते समय सब सैनिटाइज होकर के अंदर छोड़ा है, सब अच्छे से है हो रहे। कोरोना महामारी के वक्त पुणे में स्कूल खोलने पर सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हरियाणा के रेवाड़ी में चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। पहले रेवाड़ी के एक स्कूल के 42 में से 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जांच हुई तो कुल 13 स्कूलों के 103 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा की जींद में भी एक ही दिन में 11 स्कूली छात्र और 8 टीचर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। बहुत ही नियमों का पालन करना पड़ेगा। दूसरे विश्वविद्यालय में भी यही महामारी आई थी, यही आर्थिक मंदी आई थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, ये सभी संकट आज कोरोना के साथ हमें मिले। योगी सरकार भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला कर चुकी है। आज से कुछ कॉलेज 50% उपस्थिति की शर्त के साथ खोले गए हैं, जबकि उत्तराखंड में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हरियाणा ने स्कूल बंद कर दिए हैं, मिजोरम में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कर्नाटक ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है, गुजरात ने 23 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया है, तमिलनाडु सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला वापस ले लिया है। मुंबई में भी स्कूल खोलने का फैसला हुआ था लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कोरोना को लहर नहीं सुनामी बताने के बाद तय हो चुका है कि स्कूल नए साल तक बंद ही रहेंगे। यानी ज्यादातर राज्य स्कूल खोलने के फैसले से यू टर्न ले चुके हैं। ऐसे में पुणे में स्कूलों को खोला जाना कोरोना से लड़ाई की लक्ष्मण रेखा से खिलवाड़ करना साबित हो सकता है। वैक्सीन कब आएगी? देखिए आज ये सबसे बड़ा सवाल है, वैक्सीन कब आएगी? इससे बड़ा सवाल आज कोई और नहीं है। लेकिन क्या वैक्सीन आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा क्या? वैक्सीन आ जाएगी तो आपको कितने समय तक बचाएगी वैक्सीन? कब तक बचाएगी? कितनों को बचाएगी? वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? मतलब ये तमाम सवाल है। इसलिए अभी के लिए अगर कहा जाए तो मास्क ही आपकी वैक्सीन है। आपका मास्क ही वैक्सीन है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई की सबसे बड़ी उम्मीद है वैक्सीन। लेकिन क्या वैक्सीन के आने से लोगों की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इसे समझने के लिए आपको एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा को सुनना चाहिए। जितने पैरामीटर्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं उस हिसाब से जो सबसे ज्यादा सेफ वैक्सीन है उन चीज को ही रोल आउट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म हाँ जरूर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर पहले किसी दवाई को या वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया है लेकिन अगर उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आते हैं तो उसको हटा दिया जाता है, उसको फिर आउट ऑफ मार्केट कर लेते हैं। तो ये कह पाना कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होंगे इससे बहुत मुश्किल सवाल है। ये बात ठीक है कि पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना की वैक्सीन चाहिए लेकिन 10 महीने में तैयार वैक्सीन पर कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे क्या वैक्सीन लंबे समय तक बचाए रख सकेगी?
अभी राहत देकर बाद में कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी वैक्सीन? वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हम कैसे निपटेंगे? करीब 90% तक कामयाब वैक्सीन कितनी असरदार? इन सवालों का जवाब भले ही अभी ना हो, लेकिन इस वक्त सभी को कोरोना की वैक्सीन चाहिए ही चाहिए। भले ही उस वैक्सीन की सफलता की गारंटी 100% ना हो। कोई एक सहारा वो वैक्सीन के रूप में अगर हमें मिल जाए, भले उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वैक्सीन के डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली लगातार इसकी जो एफिकेसी है वो इम्प्रूव होती है, इसके साइड इफेक्ट्स पे लगातार एनालिसिस होती रहती है, तो इसका अपग्रेडेशन होता रहता है। भारत भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर रहा है। वैक्सीन के तैयार होने के बाद उसका वितरण कैसे करना है, इसकी रणनीति बन रही है। गर्व भी होना चाहिए कि देश वैक्सीन के मामले में बहुत आगे भी है, बहुत इज्जत भी है और बहुत स्कोप भी है। लेकिन वैक्सीन जब बनते हैं तो एक सिस्टम के द्वारा वो बनते हैं, उसकी टेस्टिंग जो होती है सिस्टमैटिक तरीके से होती है। हर वैक्सीन को कई कसौटियों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले तो हर वैक्सीन को सेफ होना है। भारत बायोटेक ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन है। ये वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है। लेकिन जब तक वैक्सीन ना आए तब तक अपने मास्क को ही वैक्सीन माने। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति मास्क पहनने के लिए जिम्मेदार बन जाए तो इस महामारी को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक वैक्सीन से लड़ाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देखिए अभी तो मैं यहाँ, मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा जो है वो 90% तक कम हो जाता है। मैं अभी आपके साथ स्टूडियो में हूँ, ये पूरा सैनिटाइज है, लेकिन मास्क नहीं पहना तो संक्रमण का खतरा 95% तक बढ़ जाता है। देखिए ये मेरे पास मास्क है, जो मास्क होता है मास्क ऐसे पहने जिससे मुंह नाक पूरी तरीके से ढक जाए। ये जैसे आपका नाक पूरी तरीके से, मुंह पूरी तरीके से ढका होना चाहिए। ये पूरा सैनिटाइज है, आपसे बात कर रहे हैं, कोई आसपास नहीं है, इसलिए हम बिना मास्क के बुलेटिन करते हैं। लेकिन मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो इस्तेमाल के दौरान मास्क आप ना छुएं। ये जो आप ये देखते हैं, यहां से आप पकड़े मास्क को, ये यूं पकड़े और उसको इस तरीके से आप नीचे से इसको यूं कर दें। मतलब नोज, आपकी नाक और मुंह पूरी तरीके से ढका होना चाहिए। मास्क गीला हो जाए तो 6 घंटे के अंदर उसको बदल लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मास्क ही कैसे वैक्सीन है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क आपकी जान बचा सकता है। जब तक मास्क नहीं तब तक कम से कम वैक्सीन नहीं, तब तक कम से कम मास्क ही आपकी वैक्सीन जो है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त, वो मास्क ही आपकी जान इस दौरान बचाएगा। मास्क गीला हो जाए, मास्क पहनने से संक्रमण जो है 90% तक कम हो जाता है, समझ रहे हैं आप, 90% तक कम हो जाता है। मास्क नहीं पहना तो संक्रमण का खतरा 95% जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब देशित में आपके हित की बात, देश के हित की बात, कि क्या सांसदों को ही रिकॉर्ड टाइम में घर मिलने का अधिकार है क्या? आप लोग जब ये स्टोरी देख रहे हैं तो आपके जहन में सवाल जरूर होगा, कितनी जगह आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, 1 साल 2 साल इंतजार, 3 साल इंतजार, आम आदमी की कोई नहीं सुन रहा। लेकिन जब सांसदों की बारी आती है तो तुरंत फुर्ती दिखाई जाती है और आम लोगों के लिए सुस्ती। ये संसद सदस्यों को सरकार का नया उपहार है। 76 सांसदों के लिए बने ये फ्लैट्स 8 पुराने बंगलों की जगह पर बने हैं। इस अपार्टमेंट को गंगा, यमुना और सरस्वती नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि इन फ्लैट्स के निर्माण के बारे में 2014 के बाद सोचा गया और इसके बाद ये फ्लैट्स रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी।
मतलब सांसदों को रिकॉर्ड टाइम में फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए फुर्ती कब ऐसी दिखेगी? सांसदों के लिए रिकॉर्ड टाइम में शानदार फ्लैट तैयार कर दिए गए, कोई बुराई नहीं है, चार बेडरूम के फ्लैट है, लेकिन दूसरी तस्वीर भी तो बहुत जरूरी है ना। सालों से लाखों लोगों का इंतजार, आम लोगों को घर कब, उनकी सुध कब कोई लेगा? सांसदों के लिए ऐसी फुर्ती, आम लोगों के लिए सुस्ती, ये नहीं चलना चाहिए। यही देशहित में आज हम सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। अरे कम से कम मेरे हिंदू धर्म में होती तो मुझे ये तो चिंता नहीं रहती कि इसके साथ कोई बुरा होगा। यूपी में लव जिहाद, बड़ा खुलासा। जी न्यूज पर चौंकाने वाली जानकारी। एक दो नहीं, 11 मामलों की पुष्टि। जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ ना कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। फतेह खान आर्यन मल्होत्रा बन गया। मोहम्मद ओवैस बाबू बन गया। मुख्तार अहमद राहुल बन गया। छल कपट से हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन। बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। कानपुर लव जिहाद का सीक्रेट सेंटर। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी, और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़ी हुई है। जी हां, कानपुर में लव जिहाद पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में 11 मामले ऐसे रहे जिनमें लव जिहाद की पुष्टि हुई। नाम बदलकर छल कपट से बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो कुल कानपुर पुलिस के पास 14 ऐसे मामले थे जिनमें 3 मामलों में लड़की बालिग रही, लेकिन 11 मामले ऐसे रहे जिनमें लव जिहाद की पुष्टि हुई। छल कपट से नाम बदलकर दूसरे धर्म के लड़कों ने लड़कियों के अपने प्रेम जाल में फंसाया। कई मामलों में माता पिता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियों के साथ ज़ाती भी की गई है, और एसआईटी ने 11 दरअसल इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने इसकी जांच की और 11 मामले ऐसे रहे जिनमें लव जिहाद की पुष्टि पाई गई और किस तरह से नाम बदलकर लड़कियों को धोखा दिया गया वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के कानपुर में लव जिहाद, पहला बड़ा खुलासा। 3 लड़कों ने बदले थे नाम। दूसरा बड़ा खुलासा, फतेह खान आर्यन मल्होत्रा बन गया। तीसरा बड़ा खुलासा, मोहम्मद ओवैश बाबू बन गया। चौथा बड़ा खुलासा, मुख्तार अहमद राहुल बन गया। पांचवा बड़ा खुलासा, कुल 11 मामलों की पुष्टि। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने यह चौंकाने वाली जानकारी देश को दी। उनकी ये बातें आज आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए। 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ ना कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। यानी कुल 11 आरोपी लव जिहाद के मामले में यूपी में इस समय जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन लव जिहाद पर बड़े खुलासों का ये अंत नहीं है। ये जो एसआईटी की जांच हुई है सभी 11 प्रकरणों में,
तो इसमें तीन मामले ऐसे निकल करके आए हैं जिसमें लड़कों ने अपने छदम नाम रख के लड़कियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्हें बाद में ये पता चला कि ये दूसरे धर्म के लड़के हैं, तो ऐसे प्रकरणों में उनके खिलाफ अन्य धाराएं भी, धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपी फतेह खान आर्यन मल्होत्रा के नाम से फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करता था। उसके खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल। अभी जो SIT की हमारी जांच है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण हमको नहीं मिले हैं कि संगठित रूप से कोई साजिश के तहत कुछ इन लोगों ने किया है, लेकिन इतना जरूर है कि छल कपट के द्वारा अपने नामों को बदल करके और कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के साथ जो है इन्होंने इस तरह का कार्य किया है और इसमें इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। SIT ने कानपुर लव जिहाद के मामले की जांच रिपोर्ट IG को सौंप दी है, जिसमें यह जानकारी भी सामने आई है कि कानपुर में चूही एरिया में 4 मुस्लिम लड़के आपस में एक दूसरे से जुड़े पाए गए हैं। ये चारों एक दूसरे से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पुलिस को अभी तक संगठित तरीके से किसी साजिश के प्रमाण नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब वो लोग कहां छिपे हैं जो कहते हैं लव जिहाद जैसा तो कुछ होता ही नहीं और एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल इस खबर को और डिटेल में आपको समझा देते हैं। कानपुर में SIT ने 2019-2020 में दर्ज इस तरह के लव जिहाद जैसे 14 मामलों की जांच शुरू की थी। इसमें गोविंदनगर थाने में 2 FIR, नौबस्ता थाने में 5 FIR, फजलगंज थाने में 1 FIR, साथ ही बाबूपुरवा थाने में 1 FIR थी। कल्याणपुर थाने में भी 1 FIR, पनकी थाने में 1 FIR, चकेरी थाने में 1 FIR और किदवई नगर थाने में 2 FIR मिलाकर ये कुल FIR की संख्या हो जाती है 14। लेकिन 14 मामलों में 11 केसेस ऐसे मिले जिनमें छल कपट से धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ और इन 11 मामलों में शामिल 13 लड़कियों में से 3 बालिग थी जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी और बाकी 8 लड़कियां नाबालिग हैं। इन लड़कियों का शारीरिक शोषण किया गया और नाबालिग से जुड़े इन मामलों में 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। तो कानपुर लव जिहाद में खुलासा उन लोगों पर सवाल खड़े करता है जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए इसे गंभीर मुद्दे मानने से ही इंकार कर देते हैं और इस पर सियासत करते हैं। कानपुर लव जिहाद में खुलासा आपको यह भी बताता है कि अब यह समय आ चुका है कि जब सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। यूपी में लव जिहाद एक गंभीर मुद्दा है। कानपुर में लव जिहाद पर हुए बड़े खुलासे से पता चलता है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए योगी सरकार बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। यूपी के गृह विभाग ने हाल ही में बाकायदा एक मसौदा भी तैयार किया है जिसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। इस मसौदे में लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है, इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छद्म वेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया है और सभी मामले गैर जमानती धाराओं में दर्ज होंगे। हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या को अधिक दिन नहीं बीते हैं। निकिता के खिलाफ आरोपी तौसीफ ने कुछ ऐसी ही साजिश रची थी, लेकिन निकिता के इनकार के बाद उसे गोली मार दी गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की बात की।
लव जिहाद पर एक सख्त कानून, ताकि कोई भी दबाव में, प्रलोभन में, षड्यंत्र से, प्यार के जाल में फंसा कर किसी का धर्म परिवर्तन ना कर सके, पहलुओं पर विचार किया है और ये तय किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी इसका एक्ट बनाने के लिए, जो बाकी प्रदेशों के एक्ट का भी अध्ययन करेगी और उसमें सुझाएगी कि उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग बिहार में भी अब उठने लगी है, हालांकि इस पर अभी जेडीयू की असहमति है। कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है, बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम ना दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। ये साफ है कि लव जिहाद के मामले किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, इसलिए कानून बनाए जाने को लेकर देश के स्तर पर भी देखे जाने की जरूरत है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो इस मुद्दे पर भी सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं। ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करेंगे। अगर ऐसा ही करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को ही खत्म कर दें। नफरत का ये दुष्प्रचार नहीं चलेगा। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। लव जिहाद पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन कानपुर के खुलासे से साबित हुआ है कि हिंदू बेटियों के साथ गलत हो रहा है। वो लव जिहाद का शिकार बन रही हैं और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशभर में अब एनसीबी की टीम पर जानलेवा हमले की खबर। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तेज तर्रार ऑफिसर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर अटैक हुआ है। इस मामले में टीम के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हमला किसके इशारे पर हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल थे, इसी से जुड़ी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको देशभर में एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं। समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, एक तेज तर्रार ऑफिसर जिनके नाम से मुंबई में ड्रग्स रैकेट चलाने वाले अपराधी कांप उठते हैं, जिनका शिकंजा बॉलीवुड में नशा करने वाले एक के बाद एक कई सितारों पर कसता जा रहा है, उन्हीं समीर वानखेड़े पर रविवार की देर शाम मुंबई में जानलेवा हमला हुआ। 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उनकी टीम पर अटैक किया और एनसीबी टीम के दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना मुंबई के गोरेगांव की है। शाम 6 बजे समीर वानखेड़े खुफिया जानकारी के आधार पर गोरेगांव में जवाहर हॉल के पास एक बड़े ड्रग पैडलर कैरी मेंडिस को पकड़ने गए थे। एनसीबी की टीम ने कैरी मेंडिस को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन इसके बाद वहां पर जो हुआ उसने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को हैरान कर दिया। समीर वानखेड़े जो है उन्हीं की गाड़ी है और इसी गाड़ी में सवार होकर वो अपनी पूरी टीम के साथ निकलते हैं और वो जवाहर नगर जाते हैं और वहां पर कैरी मेंडिस नाम का जो शख्स है, जो ड्रग पेडलर बताया जाता है, एलएसडी ड्रग में डील करता है और बहुत बड़ा नाम बताया जाता है, वो वहां पर जो दूसरे व्यक्ति को डिलीवरी देने के लिए आया हुआ होता है और वो दोनों इस वक्त मिल रहे होते हैं। तब अचानक से जो समीर वानखेड़े हैं वो अपनी टीम के साथ धावा बोलते हैं, कैरी मेंडिस को पकड़ लेते हैं, उसको ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया जाता है। अचानक से कैरी मेंडिस चिल्लाना शुरू करता है और उसके चिल्लाने भर के कुछ महज कुछ मिनटों के बाद 50 से 60 लोगों की पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है, धक्का मुक्की करने लगती है और कुछ लोग इतनी देर में देखते हैं कि कैरी मेंडिस है वो ऐसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और कैरी मेंडिस को छुड़ाने के लिए वो भीड़ हमला करती है एनसीबी की टीम के ऊपर। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ड्रग पैडलर कैरी मेंडिस को पकड़कर अपनी कार में भी बिठा लिया था। वो पूरी तरह से काबू में आ चुका था, लेकिन ठीक इसी समय भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनकी कार पर धावा बोल दिया, कैरी मेंडिस को छुड़ाने की कोशिश की। फुल
फिल्मी अंदाज में एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अपनी पिस्टल बाहर निकालते हैं, अपने रिवॉल्वर को निकाल कर कैरी मेंडिस के ऊपर तान देते हैं और उसके बाद उस भीड़ को धमकाया जाता है। तब वो भीड़ वहां से डिस्बर्स होती है, वहां से हटती है। इसके बाद मुंबई पुलिस को बुलाकर वहां स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। हमलावरों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे भी हो ड्रग पैडलर कैरी मेंडिस को समीर वानखेड़े की गिरफ्त से छुड़ाया जाए, क्योंकि जिस वक्त कैरी मेंडिस को हिरासत में लिया गया ठीक उसी वक्त विपुल आगरे और यूसुफ शेख नाम के दो बदमाशों ने अधिकारियों से कहा सुनी शुरू कर दी। अधिकारियों पर कैरी मेंडिस को छोड़े जाने का दबाव बनाने लगे। एनसीबी अधिकारी विश्व विजय तेजस सिंह से मारपीट की और जब कांस्टेबल शिवा रेड्डी उन्हें बचाने गए तो उन्हें भी नहीं बख्शा। 22 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फिरियाद दिया है कि वो एक ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए जब गए थे, तीन लोगों ने उनसे वाद किया और उनको मारहाण किया और उनके काम करने में अड़चना निर्माण किया। इस फिरियाद के ऊपर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में कलम 353, 323, 504 आईपीसी के अंदर गुना दाखिल है और ये तीन ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की तपास चालू है। मुंबई में एनसीबी की टीम पर हमले से दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, एनसीबी की कार्रवाई से मुंबई में ड्रग्स का धंधा आखिरी सांसें गिन रहा है और दूसरी, मुंबई में ड्रग्स का रैकेट चलाने वालों में एनसीबी का खौफ बढ़ रहा है। यकीन मानिए, ये डर अच्छा है, क्योंकि इसी के बाद मुंबई में माया नगरी को भी जहरीले नशे से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम अगर आपसे ये बात कह रहे हैं कि एनसीबी के एक्शन से मुंबई में ड्रग्स का अवैध कारोबार करने वालों में इस वक्त दहशत है, तो इसकी वजह है सुशांत केस में जांच में शामिल एनसीबी ने अब तक 35 गिरफ्तारियां की। इन 35 में से 28 ड्रग पैडलर्स हैं। और बात अगर ड्रग पैडलर कैरी मेंडिस की करें तो उसका बायोडेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसकी उम्र 20 साल है। सोचिए जरा, 20 साल का है कैरी केल्विन मेंडिस। मुंबई के वेस्टर्न लाइन पर ये ड्रग्स का रैकेट चलाता है। बांद्रा से लेकर अंधेरी, गोरेगांव, मलाड तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। ड्रग पैडलर कैरी मेंडिस एलएसडी यानी केमिकल ड्रग्स में डील करता है। पिछले एक महीने में आपने जी न्यूज पर देखा होगा एनसीबी ने कई ड्रग्स पैडलर को पकड़ा। इन्हीं लोगों से पूछताछ में कैरी मेंडिस का नाम सामने आया और एक टिप ऑफ के बाद ही रविवार को एनसीबी की टीम मेंडिस को पकड़ने के लिए गोरेगांव पहुंच जाती है। उसके ठिकानों से एनसीबी की टीम को 20 एलएसडी मिली है। लेकिन यही एनसीबी की टीम पर मेंडिस के गैंग के लोग हमला भी बोल देते हैं, तो सोचिए जरा कितना ज्यादा खौफ, कितना ज्यादा डर इस वक्त ड्रग्स पैडलर के मन में है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईस्टर्न कमांड के दौरे पर हैं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। 3 दिन का उनका ये दौरा और इस दौरे के दौरान सीमा पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख जनरल नरवणे। ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की बात जनरल नरवणे जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है वो बार बार करते रहे हैं। सिक्योरिटी का रिव्यू करेंगे और साथ ही एक तरफ ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है तो दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनसे जुड़े हुए जो तमाम डिटेल्स हैं उनकी समीक्षा वो करेंगे। इससे पहले याद होगा आपको अगस्त के महीने में भी वो ईस्टर्न कमांड का उनके द्वारा दौरा किया गया था और तब भी उन्होंने ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को लेके जायजा लिया था। ये देखते हुए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जो नापाक हरकतें रही हैं, दूसरी तरफ एलओसी में भी पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ जो गुस्ताखी की जा रही है, उस लिहाज से सेना प्रमुख का ये रिव्यू या ये ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को रिव्यू करने का ये जो उनका दौरा है ईस्टर्न कमांड को काफी अहम माना जा सकता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।